हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 12 की हिस्ट्री का थीम थर्ड है, किनशिप कास्ट एंड क्लास, उसके बारे में। देखिए, 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा के बीच में अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस अपनी सोसाइटी के अंदर हो रहे थे। अब इन सारी चीज़ों के बारे में हिस्टोरियंस को कैसे पता लगता है, तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेज अपने को मिलते हैं उनमें मेनली स्कल्पचर्स, आपके बहुत सारे कल्चर्स जो होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों इंस्क्रिप्शन होती हैं, उन्हीं सारी चीजों की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्कल्पचर जो आपका महाभारत का स्कल्पचर है, ऐसे ऐसी टाइप के बहुत सारे स्कल्पचर अपने को मिले हैं अलग अलग जगहों से, क्रेव की हुई दीवारों पे, अलग अलग बिल्डिंग्स पे, अलग अलग जगह से इसी टाइप के स्कल्पचर्स। तो ये आपका एक टेराकोटा स्कल्पचर है जिसमें अर्जुना और भगवान कृष्ण आपको दिख रहे हैं, जैसे अर्जुना रथ में बैठा हुआ है, और महाभारत के युद्ध का एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को ये डेपिसिट करके यहाँ पे आपको बताना है। इन अगर देखिए आप यहाँ पे अगर फोकस करें अपने महाभारत पे, तो महाभारत एक बहुत बड़ा कोलोसल एपिक है जिसमें लगभग 1 लाख वर्सेस को शामिल किया गया है। और जो महाभारत है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में या ईस्टर्न रीजन में, ये हर रीजन में, साउदर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, हर जगह, नॉर्दर्न रीजन में, सेंट्रल जो आपका सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है वहां पे, हर जगह इससे रिलेटेड कोई ना कोई आपकी जो स्टोरी है वो प्रचलित है और बोली जाती है। अब इसी चीज को लेके क्या हुआ कि क्रिटिकल एडिशन बनाया गया आपका महाभारत का 1919 के अंदर, वी एस सुक्तांकर जो आपके स्कॉलर थे संस्कृत से, उनकी लीडरशिप में एक कमेटी गठित की गई और उनको एक टास्क दिया गया भाई आपको क्रिटिकल एडिशन बनाना है। तो उनकी ही की लीडरशिप में 1919 के अंदर वी एस सुक्तांकर की लीडरशिप में क्रिटिकल एडिशन बनाने का टास्क स्टार्ट किया गया, और इसी को बनाने में लगभग, ये जो प्रोजेक्ट था आपको इसको बनाने में 47 साल 47 ईयर्स लगे, और लगभग 13,000 पन्नों का एक क्रिटिकल एडिशन बनाया गया। अब इस क्रिटिकल एडिशन में क्या शामिल किया गया, इस क्रिटिकल एडिशन में अलग अलग जगह पर प्रचलित जो आपके संस्कृत में मैन्युस्क्रिप्ट से महाभारत से रिलेटेड उनको शामिल किया गया, और इन्हीं 13,000 पन्नों में जो आधे पन्ने हैं उनमें जो रीजनल वेरिएशन है आपको, उन्हीं रीजनल वेरिएशन को भी शामिल किया गया। उनमें रीजनल वेरिएशन में आपके तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी, वहां से लेके आपके कश्मीर, हर जगह हर पार्ट में जो महाभारत से रिलेटेड स्टोरीज प्रचलित थी, वहां पे जो बातें बोली जाती थी, ओरली बोली जाती थी या स्क्रिप्ट्स के रूप में अवेलेबल थी, तो उन्हीं को शामिल करके क्रिटिकल एडिशन आपका बनाया गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्रिटिकल एडिशन इसी टाइप का, इसमें आपका संस्कृत में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, फिर नीचे की तरफ कुछ शब्द लिखे गए हैं, यही इसी को डिस्क्राइब करके अलग अलग रीजन में बोली गई जो बातें हैं, जो वेरिएशन हैं, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इस हिसाब से क्रिटिकल एडिशन बनाया गया। अब देखिए आप यहाँ पे किनशिप एंड मैरिज मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। तो हम आज देखते हैं कि हम फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली को सबसे पहले कंसिडर करते हैं, क्या ये व्यवस्थाएं शुरू से ही ऐसी थी, क्या हिस्ट्री में भी लोग ऐसे ही फैमिली को अपने कंसिडर करते थे, या व्यवस्थाएं बनी तो कैसे बनी, कैसे आया हमारा एक फैमिली का एक स्ट्रक्चर आया और ये सारा इस हिसाब से शेप हुआ। तो ये सारी व्यवस्थाएं जब हिस्ट्री में उठा के देखा जाता है तो हिस्ट्री में भी ऐसे कई सारे एविडेंस मिलते हैं, जैसे महाभारत से हमें पता लगता है हमारे सोशल कोड्स के बारे में, कैसे कुरु राज्य था, वहां पे पांडव हुए, कौरव हुए, तो किस हिसाब में से वो फैमिली का स्ट्रक्चर था उनका, कैसे उनके बीच में फ्यूड हुआ, फिर बाद में जाके पैटलिनी के तहत उनके बीच में युद्ध भी हुआ और कैसे पांडवों ने युद्ध जीता, तो इसके बारे में, इससे हमें सारा फैमिली का स्ट्रक्चर पता लगता है, अर्ली सोसाइटी में भी हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर था। अब इसमें आप ये देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो फैमिली को कंसिडर करते हैं बाय ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन होगा तो भाई हम उस हिसाब से फैमिली को कंसिडर करते हैं, कजिन्स होते हैं उनको भी हम फैमिली में कंसिडर करते हैं, तो नॉर्दर्न रीजन में ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस भी हैं या कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी होती हैं वो जो कजिन्स होते हैं उनको ब्लड रिलेशन के रूप में रेफर नहीं करते, उनमें आपस में शादियां भी होती हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग जो रीजंस हैं, अलग अलग यहाँ पे भी हमको जो वेरिएड आपको वेरियंसेस है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ देखिए आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, अब ये आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी है क्या, तो पैट्रिलिनी का मतलब है मेनली किस हिसाब से जो हम पिता की जो संपत्ति होती है या पिता का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, उसके बेटे उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उसी हिसाब से ही व्यवस्थाएं चलती जाती हैं। ऐसी जो आपके जनरेशन टू जनरेशन जो पैटर्निंग के तहत पिता का जो वंश है वो उस हिसाब से बढ़ता जाता है, तो ये आपका आइडिया ऑफ पैटर्निंग है। अब इसमें जैसे अगर राजा की स्थिति है, राजा की कंडीशन है, तो उस स्थिति में होता क्या है, उसके पास थ्रोन है, तो
उस थ्रोन को, जो राजगद्दी है, उस पर किसका अधिकार होगा? उस पर अधिकार होगा वो जो बेटे होंगे उसमें जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसका अधिकार होगा। ये हमें अलग अलग जो एपिक्स हैं उनसे भी देखने को मिलता है, उनसे भी पता लगता है, और इसी हिसाब की व्यवस्थाएं होती हैं। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि अगर राजा का जो सबसे बड़ा बेटा है कुछ कंडीशन में अगर वो असमर्थ है या असक्षम है, इनकेपेबल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रदर्स होते हैं आपस में सक्सीड करते हैं थ्रोन को, और जो कैपेबल होता है वो थ्रोन को अचीव कर लेता है। और कई बार कंडीशन ऐसी भी होती है कि मानो पुत्र है नहीं तो क्या हो, तो उस कंडीशन में हिस्ट्री से भी हमें पता लगता है कि उस कंडीशन में जो विमेन होती हैं वो भी सक्सीड करती हैं थ्रोन को। जैसे प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल में हमें देखने को मिला, जो चंद्रगुप्त थर्ड की पुत्री थी और वाक्टक किंग से जिन्होंने शादी की थी प्रभावती गुप्ता ने, बहुत सारी लैंड ग्रांट्स की थी, जिस कई सारे इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं उनसे हमें इनके बारे में पता लगता है। तो उन्होंने किस हिसाब से जो पैटलिनी के तहत बहुत सारी संपत्ति को पर अधिकार किया, तो इस हिसाब से हमें कई सारी चीजें पता लगती हैं पैटलिनी के बारे में, किस हिसाब से पिता की जो कैसे उत्तराधिकार होगा, तो उत्तराधिकार पिता की संपत्ति पर किसका उत्तराधिकार होगा, तो मेनली पुत्रों का ही उत्तराधिकार होता है, और राजा की स्थिति है तो सबसे बड़ा पुत्र राजगद्दी लेगा और बाकी पुत्रों में संपत्ति को डिवाइड किया जाएगा। और अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री भी कुछ कंडीशंस में संपत्ति पर उत्तराधिकार अपना जमाती है। अब इसमें देखिए आप जो पुत्रों को कैसे इंपॉर्टेंस देगी, आज हम देखते हैं कि भाई जो वंश चलाएगा, हम ये सुनते भी हैं मेनली, अब ये सही हो या गलत हो वो अलग बात है, वो अलग डिबेट का इशू है, लेकिन हम सुनते हैं कि भाई जो वंश होगा वो कौन चलाएगा, आपका पुत्र वंश चलाएगा। तो इसके बारे में हमें ऋग्वेदा में भी अलग अलग वर्सेस पॉपुलर जो प्रचलित हैं, या शादी होती है तो पंडित जो होते हैं फेरे के टाइम भी ये बातें बोलते हैं कि कैसे जो आज तुम अपने पिता के घर से पति के घर जा रहे हो तो क्या आपको सौभाग्यशाली हो आप खुद, और आपको प्रभावशाली और चिरंजीवी पुत्रों की प्राप्ति हो, तो इस हिसाब से आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो ये पैटर्निटी के तहत किस हिसाब से पुत्रों का महत्व है, अपने सोसाइटी के अंदर पुत्र का महत्व है, उसके बारे में आपको यहाँ से पता लगता है। Why kinfolk quarrel? अब kinfolk के बीच में क्यों लड़ाई होती है, तो वो भी पैटर्निटी को ही लेके। तो यहाँ पे हम महाभारत का अगर जो इंसिडेंट है वो उठा के देखें, तो महाभारत में कैसे कौरवों और पांडवों के बीच में जो धृतराष्ट्र थे और जो पांडु थे वो राजा भरत के पुत्र थे कुरु राज्य में, लेकिन अब उनके बीच में हुआ क्या, जो धृतराष्ट्र थे वो जन्मजात वो अंधे थे तो उनको राजगद्दी मिल नहीं सकती थी, हालांकि वो बड़े थे लेकिन राजगद्दी उनको मिल नहीं सकती थी। जो राजगद्दी बाद में पांडु को मिली, लेकिन राजा पांडु की जो मृत्यु है वो यंग एज में हो गई, लेकिन उनके भी पुत्र हुए युधिष्ठिर जो कि सबसे बड़े पुत्र थे। तो जो धृतराष्ट्र थे पांडु के मरने के बाद में उनको एज अ केयर टेकर उनको राजगद्दी दी गई, जो कि उनको देनी चाहिए थी, जब युधिष्ठिर बड़े हो जाते तो उनको देनी चाहिए थी, वो ट्रांसफर करनी चाहिए थी राजा युधिष्ठिर को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा किया नहीं गया, लालच आ गया या और कई सारे इशू आ गए, दुर्योधन और आपस में धृतराष्ट्र के बीच में संवाद हुआ, ये कम्युनिकेशन हुआ कि भाई आप संपत्ति दे दोगे तो हमारा जो वंश है भाई हमारे जो संपत्ति पर अधिकार हट जाएंगे, तो इस हिसाब से कुछ लालच के तहत वो संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जो पैटर्निटी के तहत मिलनी चाहिए थी पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो आपस में उनके बीच में युद्ध हुआ, युद्ध हुआ तो अंत में पैटर्निटी को जो पैटर्निटी है आपका उसी को एस्टेब्लिश किया पांडवों ने और अपना राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो यह आपका है कि भाई किस हिसाब से किनफॉक्स के बीच में आपका लड़ाई भी हुई। अब रूल्स ऑफ मैरिज, रूल्स ऑफ मैरिज में देखिए आप, रूल्स ऑफ मैरिज में जो इस ड्यूरेशन में जो 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा के बीच में बहुत सारे सोशल कोड्स दिए जा रहे थे जो आपके पंडित हैं उनके द्वारा संस्कृत में, और इन्हीं को धर्मशास्त्र धर्मसूत्रास रेफर करके बोला गया भाई आपका सोशल जो सोसाइटी का कोड्स क्या होंगे। अब इन्हीं में बहुत सारी स्मृतिज आई जिसमें मेनली एक मनु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति थी, उसमें आपको मैरिज के बारे में आपके सोशल कोड्स के बारे में अपने जो जो स्ट्रक्चर होगा फैमिली का उसके बारे में बताया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ मैरिज, एंडोगैमी एक्सोगैमी पॉलीगैनी पॉलीएंट्री। तो एंडोगैमी का क्या मतलब होता है, जब शादी अपने एक क्लैन के अंदर या गोत्र के अंदर ही की जाती है सेम लोकलिटी सेम कास्ट में ही, उसको एंडोगैमी रेफर करके बोलते हैं। और एक एक्सोगैमी, एक्सोगैमी में जब आउटसाइड द यूनिट जाके शादी की जाती है उसको एक्सोगैमी बोलते हैं। अब देखिए इस एंडोगैमी को गलत माना जाता है धर्मशास्त्रों में, एक्सोगैमी को सही माना जाता है। पॉलीगैनी का मतलब होता है जब
एक आदमी हैविंग सेवरल वाइफ्स, और पॉलीएंड्री में इज द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। तो अब यहाँ पे देखिए रूल्स ऑफ मैरिज में, तो मनुस्मृति में जो आपका मनुस्मृति मनु ने जो लिखी थी उसमें आपको बताया गया है मैरिज के बारे में। तो मैरिज के बारे में बताया गया है आठ टाइप की, देर आर एट टाइप्स ऑफ मैरिजेस अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में आठ टाइप्स की जो आपको मैरिज के बारे में बताया गया उसमें कौन कौन सी मैरिजेस है, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव्य विवाह, अर्श विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये आपको आठ टाइप के मैरिजेस दी गई है। अब इनमें भी बोला गया जो पहले चार टाइप के मैरिजेस हैं आपके वो अच्छी, जिसको ठीक माना गया है धर्म शास्त्रों में या मनुस्मृति में जिसको ठीक माना गया है, लेकिन जो अंतिम चार जो है उसको गलत माना गया है, जिसमें आपका जो ब्रह्म विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, दैव विवाह है या अर्श विवाह है उसको सही माना गया है, लेकिन जो असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है या पिशाच विवाह है उसको गलत माना गया है। तो इस हिसाब से मनुस्मृति में आपको एट टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में बताया गया है। देखिए द गोत्र ऑफ वुमेन, ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर वैदिक सीड एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स। अब देखिए आप ही देखते होंगे या सुना होगा आपने भाई गोत्र क्या होता है। गोत्र तो ये गोत्र जैसे वशिष्ठ गोत्र, मनु गोत्र या इस हिसाब से गौतम गोत्र, इस हिसाब से गोत्र किसको क्या होते हैं गोत्र। ये गोत्र जो है वेदों में कुछ ऋषि मुनियों के नाम लिखे गए थे, कुछ ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया था, उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम पर ये गोत्र पड़े। अब जो एक ही गोत्र होता है तो उसको माना जाता है भाई एक कुछ ना कुछ इनके बीच में संबंध है, वो डिसेंडेंट्स ही हैं आपस में, इसीलिए जो एक गोत्र में शादी को वर्जित माना गया है, गलत माना गया है, इसको प्रोहिबिट किया गया है, एक गोत्र में शादी को गलत माना गया है धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग। अब आगे देखिए वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज एंड मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। अब इन्हीं धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग बोला गया है आपको कि जो वुमेन होंगी वो शादी के उपरांत अपने फादर के गोत्र को उनको छोड़ना होगा और अपने पति के गोत्र को अपनाना होगा, और इसी के साथ ही साथ में धर्म शास्त्रों में ये भी बोला गया है कि सेम गोत्र में शादी क्या है, वर्जित है, सेम गोत्र में शादी को धर्म शास्त्रों में सही नहीं माना गया है। अब देखिए इसमें आपके क्या कुछ ऐसे सातवाहन जो हैं जिन्होंने आपका डेक्कन प्लेटू पे राज किया था, उनमें कुछ ऐसे नाम भी हमको देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी माता के नाम को भी अडॉप्ट किया, माता के गोत्र को भी अडॉप्ट किया, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सत्कर्णी, राजा वशिटी पुत्र श्री पुलामाई, राजा गौतमी पुत्र समी श्री यना सत्कनी। तो इस हिसाब से ये जो राजा लोग थे सातवाहना राजा थे ये, तो इन्होंने अपनी जो माता है उनके गोत्र को भी अडॉप्ट किया था यहाँ पे। अब इसमें देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपको कि दीज आर द नेम्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ द सातवाहना रूलर्स रिकॉर्ड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। द यूनिफॉर्म टाइटल, राजा एक तो ऑब्वियसली टाइटल लगाते थे, उसी के साथ साथ में यहाँ पुत्र का मतलब है पुत्र, तो गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, माधुरी पुत्र, ठीक है, इसी हिसाब से हरिति पुत्र, तो ये अपने नाम के बाद में अपनी माता का जो गोत्र है वो माता का जो नाम है वो भी लिखते थे सातवाहन राजा। अब यहाँ पे देखिए an examination of the names of women who married Satvana rulers indicate that many of them had names derived from Gotra such as Gautam and Vasishtha, their father's Gotra. They evidently retained these names instead of adopting names derived from their husband's Gotra, as they were required to do according to the Brahmanical rules. What is also apparent is that some of these women belonged to the same Gotra. As is obvious, this reigned counter to the ideal of exogamy. अब इसमें सातवाहनस की जब जो कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं उसको उठा के देखा गया तो उसको काफी एग्जामिनेशन के बाद में ये पता लगा कि वो जो विमेन होती थी सातवाहना रूलर्स में जो रानियां होती थी वो अपने पिता के गोत्र को भी अडॉप्ट करके रखती थी शादी के बाद में भी, जो कि आपके धर्म शास्त्रों में माना गया है भाई आपको पिता का गोत्र छोड़ना होगा शादी के बाद में, अपने पिता पति का गोत्र अपनाना होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे उन्होंने अपने पिता का गोत्र अपना के रखा शादी के बाद में भी, जो कि धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग सही नहीं है। और सातवाहनस में ये भी देखा गया कि सेम गोत्र में ही शादी हुई, जो कि आपका एंडोगेमी का कंसेप्ट है जिसको गलत माना गया है धर्म शास्त्रों में, वो वहां पे किया गया, तो धर्म शास्त्रों के खिलाफ जाके भी मतलब उस डिविजन में कई काम हुए।
विच मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि भाई चारों तरफ वो चीजें फॉलो की जाती थी, हर जगह वो प्रेवलेंट था, ये सही नहीं है। यहाँ पे हमें ऐसे कई सारे एविडेंस मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस और ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि भाई जो धर्मशास्त्रों में सब चीजें लिखी गई हैं उसको हर जगह फॉलो किया जाता था, ये सही नहीं है। विच वॉज इट एग्जाम्पलीफाइड एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट ऑफ एंडोगेमी और मैरिज विद इन द किन ग्रुप विच वॉज prevalent among several communities in South India, such marriages on kinfolk, such as cousins ensured a close-knit community. अब यहाँ पे हमने पहले देखा कि भाई एंडोगेमी धर्मशास्त्रों में गलत मानी गई है, और यहाँ पे जो किनफोक है आपका, जो किन ग्रुप है, हम मानते हैं ब्लड रिलेशन, हम कजिन्स के कजिन्स को भी उस हिसाब से ही रेफर करके बोलते हैं, फैमिली रिलेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं आज भी साउदर्न रीजन में, या कुछ ऐसे रीजन हैं वहाँ पे मौजूद हैं जो कजिन्स के बीच में जिनमें आपस में शादियाँ होती हैं, तो जो जो कि आपका एंडोगेमी का कंसेप्ट है, तो ये क्या है, गलत है धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग। वर मदर्स इंपॉर्टेंट, क्या मदर्स इंपॉर्टेंट थी, तो सातवाहनास में ही हम देखते हैं कि किस हिसाब से जो राजा लोग थे वो अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले लिखते थे। तो हाँ, माता ही भी इंपॉर्टेंट थी, मदर्स इंपॉर्टेंट थी। सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। अब देखिए, कास्ट का जो कंसेप्ट है, क्या है कास्ट, हम देखते हैं किस हिसाब से अपने अलग अलग कास्ट मौजूद हैं, ये सिस्टम कैसे है, क्या शुरू से ही ये कास्ट की व्यवस्था ऐसे थी, या क्या है ये कास्ट की व्यवस्था, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं धर्म शास्त्रों में, धर्म सूत्रास में जो स्मृतियां लिखी गई अलग अलग, उनमें बताया गया, लेकिन उनमें भी आपका ऑक्यूपेशन वाइड डिवाइड किया गया था, मेनली वर्ण व्यवस्था दी गई थी। वो वर्ण व्यवस्था थी क्या, वो वर्ण व्यवस्था ये थी कि काम के हिसाब से आपको चार भागों में सोसाइटी में बांटा गया था। उसमें मेनली ये कहा गया था आपके कि जो वर्ण होंगे आपके, उसमें एक डिवाइन ऑर्डर का भी रेफरेंस दिया गया था, बताया गया किस हिसाब से जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से निकले ब्राह्मण है, और उनके जो मुख से निकले ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मणों का ये रोल होगा। क्या रोल होगा ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों का रोल ये होगा कि जो वेद हैं, जो पुराण हैं, आपको उनको पढ़ाए, पढ़ाई लिखाई का काम करवाना, और जो क्षत्रिय हैं उनको पढ़ाना, तो इस हिसाब की रिचुअल्स प्रैक्टिस करवाना, आपके धार्मिक काम कर जो क्रियाक्रम है आपका वो करवाना, धार्मिक कार्यक्रम करवाना। लेकिन इसी के साथ ही साथ में बोला गया है जो हाथों से, ब्रह्मा के हाथों से निकले हैं वो हैं आपके क्षत्रिय, तो क्षत्रियों का क्या काम दिया गया, उनको बोला गया भाई आपका काम है रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, और साथ ही साथ में आपकी जो बाउंड्री है, आपका जो किंगडम है वो स्टेब्लिश करना, और उस राज्य की रक्षा करना, उस स्टेट की रक्षा करना, दूसरे जो राज्य है, दूसरे जो राजा है उससे उस पर्टिकुलर स्टेट की रक्षा करना, तो इस हिसाब के काम डिवाइड किए गए। फिर बाद में आए वैश्य, तो वैश्यों में बोला गया भाई आपको क्या, आपके अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, आपका कॉमर्शियल काम है, उस हिसाब से अलग अलग काम डिवाइड किए गए। उसके बाद आए शूद्रास, तो शूद्रास को बोला गया आप भाई आपको ये जो तीन जो ऑर्डर है ऊपर की, जो तीन वर्ण है, इनकी सेवा करने का काम आपका है, तो इस हिसाब से काम के रूप में आपका जो है ये वर्ण व्यवस्था डिफाइन की गई। अब इसमें देखिए नॉन क्षत्रिय किंग्स, अब यहाँ पे जैसा अभी अभी हमने देखा कि भाई धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति में, धर्मशास्त्रों में इस हिसाब से अलग अलग जो स्मृति बनी उसमें बताया गया, उसमें जो सोशल कोड्स बताए उसमें ये बोला गया कि भाई जो क्षत्रियों का काम होगा राज्य को स्टेब्लिश करना, और उनका काम होगा भाई राज्य की रक्षा करना। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जो हिस्ट्री में, जिसमें ऐसे कई राज्य थे, ऐसे कई राजा थे जो क्षत्रिय नहीं थे, जो इवन ब्राह्मण थे, जिन्होंने ही धर्मशास्त्र धर्म सूत्र लिखे, और उनके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने राज किया, और या उसके अलावा बहुत सारे जो शूद्रास थे उनमें भी कई ऐसे थे जिन्होंने राज किया। तो वो जो सोशल कोड्स दिए गए थे हर जगह वो यूनिनेमसली फॉलो किए गए, ऐसा जरूरी नहीं, तो हिस्ट्री से ही भी हमें ये सारी चीजें देखने को पता लगती है। देखिए आगे क्या कह रहा है, सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लाइनेजेस प्रोबेबली हैड डिफरेंट ओरिजिन्स, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्यास हु रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर हैज बीन हॉटली डिबेटेड, व्हाइल लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्टेड दे वर क्षत्रियस, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब देम एज बीइंग ऑफ लो ओरिजिन। अब इसमें इसी को लेके, मौर्यास को लेके, जो मौर्य डायनेस्टी थी उसको लेके ही भी डिबेट की जाती है, जिसमें कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें तो ये पता लगता है कि भाई वो क्या थे, क्षत्रिय थे, लेकिन कई ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उसमें ये पता लगता है कि भाई वो क्या थे, लो ऑरिजिन से थे, और जो नीचे के वर्ण हैं उनसे संबंधित थे। द शुंग डायनेस्टी या कण्वास जो थे आपके, वो जो इमिडिएट सक्सेसर्स थे आपके मौर्यास के बाद में ही, जो उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश की थी, वो क्या थे, ब्राह्मण्स थे।
जो शुंग डायनेस्टी थी, पुष्यमित्र शुंग हुए, उन्होंने जो एस्टेब्लिश की थी डायनेस्टी, वो जो शुंग थे, कर्णवास थे, वो क्या थे, मौर्य के ही सक्सेसर थे और वो ब्राह्मण थे। और धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग क्या था, ब्राह्मणों का क्या काम था, ब्राह्मणों का ये काम था कि क्या पूजा पाठ करवाना, धर्म का जो क्रियाक्रम वगैरह है वो सारी चीजें करवाना, क्षत्रियों को पढ़ाना, क्षत्रिय का काम होगा राज्य को एस्टेब्लिश करना। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि भाई क्या ब्राह्मण ही राजव्यवस्था चला रहे हैं, राजपाट चला रहे हैं, राजा बन रहे हैं, तो धर्मशास्त्रों के विपरीत भी काम हो रहा था। इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर वॉज इफेक्टिवली ओपन टू एनी वन हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज एंड रेयरली डिपेंडेड ऑन बर्थ एज ए क्षत्रिय। तो यहाँ पे क्या देखने को पता लगता है हिस्ट्री में, हिस्टोरियंस ने बताया कि भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि धर्मशास्त्रों में सारी चीजें लिखी है कि क्षत्रिय जो होंगे वही राजा होंगे, वो हर चारों तरफ ऐसा ही होता था, नहीं। अगर कोई जो सपोर्ट है वो मस्टर कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, जो अपनी पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो अपने सपोर्ट को मस्टर कर सकता है, वो अपने राज्य एस्टेब्लिश कर लेता था और अपना राज्य व्यवस्था चलाता था। जो आपके शकाज रूलर्स हैं और जो सेंट्रल एशिया से आए थे, उनको मलिचियाज रेफर करके बोला गया। और मलिचियाज किसको बोला जाता था, मलिचियाज बोला जाता था तो आउटसाइडर्स जो थे आपको, उनको मलिचियाज यहाँ पे रेफर करके बोला जाता था। तो इस हिसाब से कई सारे अलग अलग डेंसिटीज जिन्होंने एस्टेब्लिश की वो क्या थे, वर्ण व्यवस्था में नीचे के वर्णों से भी संबंधित थे। अब देखिए इसमें आपके, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवन डायनेस्टी गौतमी पुत्र श्री सत्कर्णी क्लेम टू बी बोथ ए यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियस। ही ऑल्सो क्लेम टू हैव एंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटरमैरिज अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ द फोर वर्ण। एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद द क्वीन ऑफ रुद्रदमन। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको दे रखा है भाई किस हिसाब से, जैसे गौतमी पुत्र जो श्री सत्कर्णी थे, आपके सातवन डायनेस्टी से संबंधित राजा थे, वो खुद क्या थे, एक ब्राह्मण थे और उन्होंने बहुत सारे युद्ध में क्षत्रियों का नाश किया, लेकिन क्षत्रियों के साथ लड़ाई की ऑब्वियसली, और उनको हराया और अपने जो रूलिंग अपनी जो डायनेस्टी थी उसको एस्टेब्लिश किया और पक्के तौर पर। तो इस हिसाब से हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में, इस हिसाब से जो धर्म शास्त्रों में चीजें लिखी गई थी उसके विपरीत भी काम हो रहे थे, इवन ब्राह्मणों के द्वारा ही वो काम किए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि जो वर्ण व्यवस्था में जो चीजें लिख दी गई वो पक्के तौर पर पूरी जगह प्रेवलेंट थी। हालांकि वर्ण व्यवस्था में जो सोशल कोड्स लिखे गए या जो आपके धर्मशास्त्रों में सोशल कोड्स लिखे गए थे, उन चीजों को बहुत बड़े रीजन में फॉलो किया भी जाता था। अब देखिए जातीज एंड सोशल मोबिलिटी, व्हाइल द नंबर ऑफ वर्णास वाज फिक्स्ड एट 4, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ द जातीज। अब आपको पहले बताया कि वर्ण कितने थे, वर्ण कितने प्रकार के, चार प्रकार के वर्ण बताया गया आपको, जिसमें बताया गया आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसी से फिर बाद में जाके जातीज जो हम देखते हैं भाई, आज तो बहुत सारी मतलब सैकड़ों की तादाद में जातियां हमें देखने को मिलती है, तो जाति व्यवस्था कैसे बनी। तो अब क्या हुआ, शुरू शुरू में जो ब्राह्मणिकल जो अथॉरिटीज थी आपकी, वो जो वर्ण थे आपके, वर्ण व्यवस्था थी आपकी, उसमें क्या हुआ, वो जब नई नई कई ऐसे जो ग्रुप्स हैं, नए नए ग्रुप्स हैं, उनसे जब उनका एनकाउंटर होता था, जब वो मिलते थे, तो वो देखते थे कि भाई ये वर्ण व्यवस्था वर्ण ऑर्डर में फिट नहीं हो रहे हैं। क्यों, कैसे, जैसे कुछ निषाद जो आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, या उसके अलावा आपके स्वर्णकार जो गोल्ड स्मिथ थे, वो आपके उस वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं होते। वो जैसे जंगलों में रहते थे कुछ लोग, वहां पे पर्टिकुलर उस सिटी में या उस जगह ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते थे, व्यवस्थाएं नहीं करते थे, उनको क्या रेफर करके बोल दिया गया, उनको जाति रेफर करके बोल दिया गया। इस हिसाब से जो नए नए ग्रुप ब्राह्मणों को मिलना स्टार्ट हुए, तो उन सबको अलग 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 नाम से जाति रेफर करके बोल दिया गया, क्योंकि वो उस वर्ण व्यवस्था में फिट हो नहीं रहे थे। तो इसी हिसाब से ये अलग अलग ये जाति का आपका सिस्टम भी वहां से आया। अब ऐसे की जातीज थी, देखो जातीज विच शेयर्ड कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। ऐसी जो जातीज थी आपकी, जैसे ये निषाद, ये क्या है, ये निषाद जाति है आपके, भाई स्वर्णकार, ये सोने का काम करते हैं, स्वर्णकार हैं। तो इस हिसाब से ये जो ये भी क्या करने लगे, जातीज भी आपस में एक ऑर्गेनाइज वे में अपनी कम्युनिटी एस्टेब्लिश करने लगे, जिनको श्रेणी या गिल्ड रेफर करके यहाँ पे बोला गया है। वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन 5th सेंचुरी कॉमन एरा की, जो आपके मंदसौर जो आपका जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से मिली है, जो क्या करती है, जिसमें इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है आपके सिल्क वीवर्स के बारे में, सिल्क वीवर्स ने कैसे वहां पे इंस्क्रिप्शन में क्या क्या काम करवाए वहां से, और कैसे वो जो है वो सिल्क वीवर्स आपके लता गुजरात से यहाँ पे मंदसौर में माइग्रेट हुए, जो उस टाइम में दशपुरा के बारे नाम से जाना जाता था।
तो इस हिसाब से ये क्या थी, गिल्ड्स थी जो सिल्क वीवर्स ने आपस में मिलकर बनाई थी। तो इस हिसाब से गिल्ड्स और श्रेणीज भी बनाई जाती थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर कॉइन डेपोजिटिंग शुकार रूलर्स, तो ये इस हिसाब से सिल्वर कॉइन भी मिंट होना स्टार्ट हो गए ड्यूरेशन में। फोर्थ सेंचुरी कॉमन एरा के हैं ये, तो ये कॉइन मिंटिंग भी स्टार्ट होगी। तो उसमें होता क्या था, मेनली जो जो राजा होता था उसकी कुछ इमेज टाइप यहाँ डेपिसिट की जाती थी, उसको पंच किया जाता था कॉइन्स पर, इस हिसाब से कॉइन आपके मिंट किए जाते थे। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, बियॉन्ड द फोर वर्णास इंटीग्रेशन गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट देयर वर एंड ऑलवेज हैव बीन पॉपुलेशंस हुज सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज व्हेन दे फिगर इन संस्कृत टेक्स्ट दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ऑड अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक In some instances, these included forest dwellers for whom hunting and gathering remained an important means of subsistence. अब यहाँ क्या कह रहा है, beyond the four वर्णा जो मैंने आपको पहले बताया, ये जो वर्णा सिस्टम था, फोर वर्ण दिए गए आपको, उसमें कई जो थे वो फिट नहीं हो रहे थे। कुछ ऐसी जिसको जाति रेफर करके बोला गया, जिसमें आपके निषाद थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे। तो इस हिसाब से अलग अलग कई सारे जो जब अलग अलग ग्रुप से ब्राह्मणों का एंटर जो मिलते थे, जो उनका एनकाउंटर्स होता था इस टाइप्स की, तो उनको वो रेफर करके बोलते थे जाति, या इस हिसाब से अलग वर्ण व्यवस्था में उनके फिट नहीं बैठ रहे। तो आपका जो निषाद निषाद है, उस हिसाब से जो निषाद थे, जिसमें आपका एकलव्य का आपको एग्जाम्पल मिलता है महाभारत में देखने को, वो भी क्या थे, वो एक निषाद ही थे, निषाद पुत्र ही थे। अब जैसे नोमाडिक पास्टोरलिस्ट, कुछ जो पशु चराने वाले होते हैं, वो घूमने फिरने वाले होते हैं, तो वर्ण व्यवस्था में सिटी में रहकर अकॉर्डिंग टू उनके काम करने वाले नहीं भाई, ना तो वो क्या थे, ना वैश्य थे, ना शूद्र थे कि भाई वहां पे रहकर उन तीनों वर्णों की सेवा करने वाले, ना वो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के अकॉर्डिंग काम करने वाले, ना वो क्या थे, ब्राह्मण थे। तो इस टाइप से वो अलग अलग जो लोग होते थे उनको जाति रेफर करके बोल देते थे, या श्रेणी, वो अभी आपस में ये जाति वाले जो होते थे आपस में कम्युनिटी या श्रेणी या गिल्ड स्टेब्लिश कर लेते थे। अब देखिए कई बार क्या होता था, जो संस्कृत नहीं बोलते थे या नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज बोलते थे, उनको क्या लेबल करके बोला जाता था, मलेचाज। क्या मलेचाज? एंड लुक डाउन अपॉन, उनको मलेचाज, आउटसाइडर, मलेचाज मतलब आउटसाइडर रेफर करके बोला जाता था, और उनको हीन भावना से उनको देखा जाता था। अब इसमें देखिए, बियॉन्ड द फोर वर्णास सबॉर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए यहाँ पे, वाइल द ब्राह्मण्स कंसिडर्ड सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, दे आल्सो डेवलप्ड अ शार्पर सोशल डिवाइड बाय क्लासिफाइंग सर्टेन सोशल कैटेगरीज एज अनटचेबल्स। दिस रेस्टेड ऑन ए नोशन दैट सर्टेन एक्टिविटीज, स्पेशली दोज कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, वर सेक्रेड एंड बाय एक्सटेंशन प्योर। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो, बियॉन्ड द फोर वर्णास सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, फोर वर्णास के बाहर, और अब सोसाइटी के बीच में आपस में ही कुछ जो सिस्टम था, कुछ कोड्स थे, उसको लेके जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, वो कैसे अमर्ज हुए। तो कुछ जो चीजें होती थी, कुछ रिचुअल्स होते थे, उनको क्या माना जाता था, पवित्र माना जाता था। और उन्हीं चीजों को, जो पवित्र चीजें होती थी, वो ब्राह्मण ने बोला कि भाई ये पवित्र चीजें जो होंगी, क्योंकि हम ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। ये भी क्या था, वो अपने जो कोड्स थे उनको और पक्का करने के लिए और उनको स्टेब्लिश करने के लिए वो देते थे कि भाई ये क्या है, डिवाइन ऑर्डर है भाई। ऐसा नहीं कि भाई हम अपनी मर्जी से सारी चीजें कह रहे हैं, भी कि डिवाइन ऑर्डर है, ब्रह्मा के मुख से हम बने हैं, इसलिए हमें ही अधिकार है जो पवित्र चीजें करने का, या पवित्र जो पूजा पाठ करने का, रिचुअल प्रैक्टिस करवाने का। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दोज हु कंसीडर देमसेल्व्स प्योर अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम दोज दे डेजिग्नेटेड एज अनटचेबल्स। अब यहाँ पे जो प्योर अपने आप को रेफर करके बोल रहे हैं यहाँ पे कौन, ब्राह्मण्स, तो वो क्या करते थे, वो ऐसा कहते थे कि भाई जो अनटचेबल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें शुद्राज रेफर करके जिनको बोला गया, तो उनको वो अनटचेबल मानते थे, और उनसे क्या चीजें लेने में आनाकानी करना, और वो उनसे ना चीजें लेना और ना उनको पवित्र चीजों में उनको शामिल करना। तो इस हिसाब से फिर क्या हुआ, आपस में कॉन्ट्रास्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट अमर्ज होना स्टार्ट हुआ सोसाइटी में। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली पॉल्यूटिंग। तो कुछ ऐसी चीजें भी थी, जैसे कुछ ऐसी चीजें जिसमें बोला गया प्योर चीजें हैं, जैसे रिचुअल प्रैक्टिस करवाने का काम, या धर्म जो का धार्मिक क्रियाक्रम करवाने का काम, जो पूजा पाठ करवाने का काम, ये जो सारे काम होंगे क्या होंगे, प्योर काम होंगे। लेकिन कुछ ऐसे काम भी थे जिनको क्या रेफर कर बोला गया, पॉल्यूटिंग काम है, मतलब ये खराब काम है या नीचे काम है। तो उनको जिसमें क्या थे भाई, जो आपके कॉर्पस होते थे, डेड एनिमल के कॉर्पस या जो मुर्दे होते थे उनको भी उठाने का काम,
जो मतलब लावारिस होते थे उनको भी उठाने का काम, ये सारे इस टाइप के काम को बोला गया। ये किस सारे काम क्या मतलब नीचे काम है, पॉल्यूटिंग वर्क्स है, इनको रेफर करके बोला गया। अब इन्हीं पॉल्यूटिंग वर्क्स को जो काम करते थे उनको क्या रेफर करके बोला गया, चांडाल्स, चांडाल्स रेफर करके बोला गया। और ये चांडाल्स जो होते थे ये इसी हायरार्की सिस्टम में, जिसमें शूद्रास में भी सबसे नीचे रेफर करके मतलब उनको देखा जाता था। और इन चांडालों का काम क्या होता था, इन चांडाल्स का कॉपर्स जो होते थे उनको हैंडल करना, और जो डेड एनिमल्स होते थे उनको उनकी जो बॉडी होती थी उनको उठाना और डिकम्पोज करने का काम, तो इस हिसाब से सारे काम किए जाते थे। आगे देखिए, मनुस्मृति में कुछ ड्यूटीज दी गई चांडाल्स के लिए, और इसी हिसाब से अलग अलग धर्मशास्त्र थे उनमें कुछ कोड्स बताए गए थे, वही कोड्स ड्यूटीज जिसको रेफर करके बोला गया है यहाँ पे। तो कुछ ड्यूटीज दी गई चांडाल्स के लिए, कुछ ड्यूटीज दी गई अलग अलग जो वर्णाल सिस्टम थे उनमें कईयों के लिए अलग अलग टाइप की ड्यूटीज थी। यहाँ पे चांडाल्स के लिए मनुस्मृति में ड्यूटी दी गई, उनमें कुछ ड्यूटीज में क्या उनमें बोला गया कि किस हिसाब से चांडाल्स के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करनी होगी। तो उनको बोला गया आपको क्या रहना होगा, आपको गाँव के बाहर रहना होगा, लिव आउटसाइड द विलेज, और जो आप डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स हैं वही आपको यूज करने होंगे। भाई आपको क्या ऐसे नहीं कि आप कुछ जो कीमती प्रीशियस मेटल्स हैं उनसे बने हुए यूटेंसिल्स आप यूज कर सकते हो, नहीं, आपको डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स ही यूज करने होंगे। और साथ ही साथ में आपको क्या, वियर्स क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, और जो डेड जो जानवर होते थे उनकी खाल से बने कपड़े ही वो आपको पहनने होंगे। आपको ऐसा नहीं कि आप कॉटन फैब्रिक के कीमती फैब्रिक के कपड़े आप पहन सकते हो, नहीं, चांडाल्स को बोला गया आपको क्या जो एनिमल्स के डेड एनिमल्स के कपड़े हैं वो उसी साथ जो खाल होंगी उनको कपड़ों के रूप में यूज करना होगा, और उसी के साथ साथ में आपको लोहे के जो आयरन के ऑर्नामेंट्स हैं वो यूज करने होंगे। और साथ ही साथ दे कुड नॉट वॉक आउट अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट, रात में आपको क्या सिटीज में और गाँव में घूमना अलाउ नहीं होता था उनकिन को चांडाल्स को। They had to dispose of the bodies of those who had no relatives and serve as executioners. और ऐसी की लावारिस लाशें जो लावारिस होती थी जिनके आगे पीछे कोई होता नहीं था, तो उनको डिस्पोज ऑफ करने का भी काम किनका होता था, और एग्जीक्यूशनर का काम करते थे कौन, चांडाल्स। तो इस हिसाब से कुछ रूल दिए गए चांडाल्स के लिए। अब इसमें कई सारे ऐसे भी अलग अलग, जैसे ये मनुस्मृति में कुछ ड्यूटीज दी गई, वैसे कई जो मंक्स यहाँ पे आए जिसमें बुद्धिस्ट मंक्स यहाँ आए, जैना जो मंक्स थे उन्होंने, तो उन्होंने भी कई सारे वहां से भी हमको कई लिटरेचर जो आपके टेक्स्ट हैं वो मिलते हैं। उनमें जैसे आपके जो बुद्धिस्ट मंक थे फाजियान, जो कि 5th सेंचुरी में आए थे, उन्होंने बोला था क्या, अनटचेबल्स हैड टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। तो इस हिसाब से भी कई सारी चीजें होती थी जो तो वहां पे जैसे इसने फाजियान ने बोला किस हिसाब से चांडाल्स होंगे उनको क्या करना होता था, भाई गाँव में जब वो एंटर करते थे तो उनको क्लैप भी करनी होती थी ताकि जो दूसरा है जो ब्राह्मण्स हैं या और कोई दूसरे हैं तो उनको पता लग जाए भाई यहाँ चांडाल यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो उसको देख ना ले कहीं, क्योंकि तो देखना भी होता था वो फिर वो उसको पॉल्यूट मानते थे, भाई गलत है, तो उनको देखना भी अलाउ नहीं। तो इस हिसाब से कई सारी अपनी सोसाइटी के अंदर जो चीजें थी जो सिस्टम था वो सिस्टम था। अब देखिए, अब यहाँ पे समटाइम्स दीज डेफिनेशंस कॉरेस्पॉन्ड विद दोज इन वन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, बट ओकेजनली दीज आर हिंट्स ऑफ डिफरेंट सोशल रियलिटीज। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, देखिए, डेपोसिशंस ऑफ मेडिकेंट सीकिंग आर्म्स स्टोन स्कल्पचर गांधार से, गांधार से मिला है किस हिसाब से एक डेपोसिशन, किस हिसाब से जो मंक्स होते थे वो क्या करते थे आर्म्स के रूप में मतलब भिक्षुक के रूप में रहते थे और भिक्षा यापन करते थे उसी हिसाब से काम करते थे। देखिए, द बुद्धिस्टा एज ए चांडाल्स, जो आपके अलग अलग जात का जो प्रचलित थी कहानियां जो थी पाली टेक्स्ट में बुद्धिस्ट रिलेटेड प्रचलित है, तो इसमें ऐसा माना गया है जो भगवान बुद्ध भी थे वो प्रीवियस बर्थ में क्या थे, चंडाल थे। ये आपका मातंग जातक जो है एक कहानी वहां से हमें पता लगता है कि इसमें किस हिसाब से क्या हुआ। देखिए, एक पर्टिकुलर कहानी है आपका द बौद्धिस्ट एज चांडाल्स, जो पाली टेक्स्ट में लिखी गई है मतंग जातक, वहां से हमें देखने को पता लगता है, वहां से हमें पता लगता है। देखिए, वेयर द बुद्धिस्ट द बुद्धा इन ए प्रीवियस बर्थ इज आइडेंटिफाइड एज ए चांडाल, वंस द बुद्धिस्ट वाज बोर्न आउटसाइड द सिटी ऑफ बनारस एज ए चांडाल सन एंड नेम्ड मतंग। तो ये मतंग जातक में यहाँ पे एक बुद्धिस्ट एक बनारस के अंदर एक चांडाल के घर में मतंग नाम का जो है उसके पुत्र की प्राप्ति हुई और मतंग नाम रखा गया उसके। वन डे व्हेन ही हैड गोन टू द सिटी ऑन सम वर्क ही एनकाउंटर्ड
Ditha Manglika, the daughter of a merchant, when she saw him, she exclaimed, I have seen something inauspicious, and washed her eyes. The angry hangers on then beat him up. In protest, he went on lay down at the door of her father's house. On the seventh day, they brought out the girl and gave her to him. तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक इंसिडेंट है, उसमें आपको बता रहा है किस हिसाब से ये यहाँ पे ऐसे माना गया है कि जो भगवान बुद्ध भी थे वो पुराने जन्म में क्या रहे होंगे, चांडाल रहे होंगे, ये मतंग जातक से हमें पता लगता है। इसमें क्या हुआ, जो बौद्धि सत्ता है, तो बौद्धि सत्ता है वो एक बनारस में चांडाल के घर में मतंग नाम रखा गया उनका, उनका जन्म हुआ। एक दिन क्या हुआ, मतंग ने जब वो सिटी में घूम रहे थे तो दिथा मंगलिका जो कि एक डॉटर थी एक मर्चेंट की, उनको उनके आपस में एनकाउंटर हुआ। तो उसने क्या क्लेम किया, भाई क्या इनऑस्पिशियस हो गया, मैंने एक चांडाल को देख लिया जिसको देखना मतलब इनऑस्पिशियस पॉल्यूट माना जाता था। तो उसने अपने आंखें धोई, लेकिन उसके जो साथ में थे उन्होंने उस चांडाल को क्या किया, उसकी पिटाई की। और लेकिन उस प्रोटेस्ट के रूप में, भाई ये क्या मतलब देखा या मैं भी तो एक इंसान है, उस प्रोटेस्ट के रूप में वो क्या हुआ, उसके घर के बाहर ही, दिथा मंगलिका के घर के बाहर ही वहां पे जम गए और सात दिन तक वहां पे जमे रहे। सातवें दिन उसके पिता ने उसी की जो दिथा मंगलिका थी उसको उसको चांडाल को समर्पित कर दिया और उसकी शादी कर दी। वंस ही रिटर्न होम ही डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, जब उसकी शादी कर दी गई तो जो वो थी वो मतंग के साथ में ही चांडाल सेटलमेंट में चली गई और जो दिथा मंगलिका थी। और लेकिन जब वो घर पहुंचे मतंग, तो उन्होंने उनका मतलब इस दुनिया से मतलब मन उब गया, तो उन्होंने रिनाउंस करने का सोचा इस दुनिया को। आफ्टर अटेनिंग स्पिरिचुअल पावर्स ही रिटर्न टू बनारस एंड मैरिड हर। और फिर बाद में कुछ अपनी जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्तियां स्थापित करने के बाद में, लेने के बाद में वो क्या हुआ, बनारस लौटे और उन्होंने उसी से दिथा मंगलिका से शादी कर ली और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया मांडवीय कुमार, जो उनके घर जन्मे। He learned the three Vedas as he grew up and began to provide food to 16,000 Brahmins every day. अभी जो मांडवीय कुमार थे उनके घर में जन्मे और उन्होंने वेदा वेदों की शिक्षा ली, तीनों वेदों को पढ़ा और लगभग 16,000 ब्राह्मणों को हर रोज वो खाना खिलाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मतंग जो थे वो एक रैग्स की ड्रेस में मतलब एक भिक्षुक के ड्रेस में वहां पे वहां से गुजरे और एक आर्म्स जो आप कटोरा जो भिक्षा के लिए कटोरा था वो उनके हाथ में था जो, और अपने पुत्र के ही घर में घर के बाहर डोर स्टेप पे एक भिक्षुक के रूप में क्या भिक्षा मांगने लगे। मांडवे ने रिप्लाई किया लाइक अन आउटकास्ट एंड वाज अनवर्दी ऑफ आर्म्स। उन्होंने बोला कि भाई तुम क्या, तुम ब्राह्मण नहीं लग रहे हो, तुम कोई भिक्षुक जो ब्राह्मण भिक्षुक होता वो नहीं लग रहे हो, तुम क्या आउटसाइड द कास्ट हो और तुम इसके इसके लिए उपयोगी नहीं हो, तुम मतलब आर्म्स जो फूड है जो है तुम्हें ही देना मतलब सही नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला, देखो मांडवे रिप्लाई दैट ही लुक्ड लाइक एन आउटकास्ट एंड वाज अनवर्दी ऑफ आर्म्स, द फूड वाज मेंट फॉर द ब्राह्मण्स। क्या ये जो फूड है किसके लिए है, ब्राह्मण्स के लिए है। मतंग सेड दोज हु आर प्राउड ऑफ देयर बर्थ एंड आर इग्नोरेंट डू नॉट डिजर्व गिफ्ट्स। कि जो अपने जन्म पर अभिमान महसूस करे और इग्नोरेंट वो मतलब जो स्थितियां हैं उसके लिए इग्नोरेंट हो, जन्म को ही इंपॉर्टेंस दे, भाई ये जन्म इसमें ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है या इसमें जन्म लिया है तो बस इसी के लिए सारी चीजें होंगी या इस हिसाब से होंगी, तो वो क्या है, वो क्या गलत है और वो किसी भी टाइप के गिफ्ट को डिजर्व करने लायक नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी दोज हु आर फ्री फ्रॉम वाइसेस आर वर्दी ऑफ ऑफरिंग्स। और ये जो इस हिसाब की चीजें हैं जिसमें सबको इक्वल मानना वो क्या है, वो डिजर्व करता है आपकी ऑफरिंग्स को, गिफ्ट्स को। मांडवे लॉस्ट हिज टेंपर एंड आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू थ्रो द मैन आउट। और मांडवे ने जब इस हिसाब की बातें सुनी तो उसने क्या कहा, उसका वो जो टेम्परामेंट था वो लूज किया और उसने अपने जो नौकर थे उनको बोला कि भाई इस आदमी को यहाँ से भगाओ, जो कि क्या था उसके अल्टीमेटली उसके पिता ही थे, लेकिन वो एक शिक्षा के रूप में या एक परीक्षा ले रहे थे वहां पे। मतंगा रोज इन द एयर एंड डिसअपीयर्ड। और वो जो मतंग थे वो जब उसको भगाने के लिए आए तो वो क्या हुए, हवा में उठ गए और क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए, वहां से गायब हो गए। व्हेन दिथा मंगलिका लर्नड अबाउट द इंसिडेंट शी फॉलोड मतंगा एंड बेग्ड हिज फॉरगिवनेस। ही आस्क्ड टू टेक अ बिट ऑफ द लेफ्ट ओवर फ्रॉम हिज बाउल एंड गिव इट टू मांडवे एंड द ब्राह्मण्स।
और इस हिसाब से क्या हुआ, फिर आगे दीता मंगली का जो पता लगा तो वहां पे मतंगे के पास गई और मतंग को बोला कि भाई माफ कर दीजिए। तो उन्होंने मतंगे ने बोला कि हमारे बाउल से जो कटोरा है उससे ये चीज लीजिए और जाके मांडविया को और ब्राह्मण को दीजिए। तो ये एक आपके स्टोरी है, इससे हमें क्या पता लगा, इससे एक पर्टिकुलर ऐसा बोला जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे वो भी पुराने जन्म में क्या थे, बोधिसत्ता एज ए चांडाल, चांडाल के घर ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इसी सारी सारी चीजें आपका बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अब यहाँ पे देखिए आप, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, द पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ द दीज रिसोर्सेज, हाउएवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिजेस। स्त्री धन दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। अब देखिए जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यहां पे हम देख रहे हैं बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। बट कि में हमने भी पैटर्नली का महत्व देखा कि किस हिसाब से पैटर्नली के तहत जो पिता होगा उसकी संपत्ति पर, उसके रिसोर्सेज पर अधिकार होगा उसके पुत्रों का, लेकिन जो जेंडर्ड एक्सेस होगा प्रॉपर्टी पर, तो कुछ ऐसे एग्जांपल भी हमें देखने को मिलते हैं मनुस्मृति में या स्मृति धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है। जो स्त्री होगी उसको शादी के दौरान अपने पिता से कुछ गिफ्ट्स के रूप में कुछ मिलता है, कुछ संपत्ति मिलती है, तो उसको स्त्री धन रेफर करके बोला गया है, तो वो क्या रख सकती है, इसको रख सकती है और अपने पुत्रों को बिना अपने पति की परमिशन से भी इन पे क्लेम ट्रांसफर कर सकती है। तो इस हिसाब से स्त्री धन का महत्व बताया गया है। और हमें ऐसा जैसा हमें प्रभावती गुप्ता के केस में हमने देखा वे क्या रिसोर्सेज पर और जो संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर किस हिसाब से जो पुत्री होगी उसका भी अधिकार होता था सर्टन केसेस में। तो प्रभावती गुप्ता के एग्जाम्पल जिसने वाक्टा किंग से शादी की थी उसमें किस हिसाब से उन्होंने, प्रभावती गुप्ता ने बहुत बड़े पैमाने पर लैंड ग्रांट्स की और कैसे इंस्क्रिप्शंस लिखवाई इसके बारे में, तो इन्हीं सारी एविडेंसेस पता लगता है कि कुछ केसेस में वुमेन का भी एक्सेस होता था प्रॉपर्टी को लेके। अब देखिए हाउ कुड मेन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ, किस हिसाब से जैसे मनुस्मृति में बताया गया है कितने प्रकार के कैसे कैसे एक मैन या वुमेन होंगी वो कैसे वेल्थ को एक्वायर कर सकती हैं। तो 7 प्रकार बताए गए आपके, 7 मीन्स बताए गए हैं वेल्थ को एक्वायर करने के लिए मैन के लिए। क्या इनहेरिटेंस, या तो उसे पिता से या उत्तराधिकारी रूप में कोई संपत्ति मिले तो उसे रखना, फाइंडिंग खुद मतलब खुद आगे बढ़ के खोजे और खोज के रूप में अगर कोई संपत्ति मिली है तो वैसे रखना, परचेज खरीद कर, कॉन्क्वेस्ट जीत कर अगर कोई संपत्ति अर्जित की, इन्वेस्ट कर कर अगर कोई संपत्ति अर्जित की, वर्क करें आप काम करें उसके बदले आपको संपत्ति मिली है, या एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम गुड पीपल, और अच्छे व्यक्तियों से अगर आपको जो गिफ्ट के रूप में अगर संपत्ति मिली है तो उसको भी आप एक्वायर कर सकते हो। वुमेन के लिए 7 प्रकार बताए गए हैं वेल्थ को एक्वायर करने के लिए, इसमें ये मनुस्मृति में बताया गया है आपको मैंने वुमेन के लिए। तो वुमेन के लिए क्या बताया गया है, अगर इन फ्रंट ऑफ फायर कि जो आपका फेरे होते हैं जब जो ब्राइडल प्रोसेशन होती है उसके दौरान अगर आपको संपत्ति मिले या कोई देता है कोई संपत्ति के रूप में एज गिफ्ट के रूप में तो आप उसको एक्वायर कर सकते हो, और एज ए टोकन ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन के रूप में कोई टोकन के रूप में आपको संपत्ति देता है उसको आप एक्वायर कर सकती हो। व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर मदर फादर, मदर से या फादर से आपको संपत्ति मिलती है तो आप उसको एक्वायर कर सकते हो। शी कुड ऑल्सो एक्वायर वेल्थ थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट एंड वॉट एवर हर अफेक्शनेट हस्बैंड माइट गिव हर, और उसके जो हस्बैंड है उस अफेक्शन के रूप में उसको अगर कोई संपत्ति देना चाहे तो वो संपत्ति को भी वो रख सकती है।